हेलो स्टूडेंट, बिलसरे क्लासेस मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण इंटिग्रेशन मधला मोस्ट इम्पॉर्टंट थेरम शिकणार आहोत, इंटिग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कई बार एग्जाम में आता है, आप ओल्ड पेपर एक बार देख लेना, आपको हर कई बार दिखेगा ये थेरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरम है। ये पोर्शन पूरा का पूरा पोर्शन ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर अच्छे से आपको फोकस करना है। चलो देखते हैं थेरम, मोस्ट आईएमपी थेरम है। पहले उसका स्टेटमेंट देखते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट देखो। इफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब उस डेरिवेटिव एक्सिस, डिफरेंशिएबल फंक्शन मींस डेरिवेटिव एक्सिस, x is equal to phi of t is differentiable function of t, then integral of f of x with respect to x, which is equal to integral of f of phi of t into phi dash t into dt। मतलब यहां देखो, x is equal to phi of t है, तो x के जगह आ गया आपका phi of t, और dx रिप्लेस हो गया phi dash t into dt। ये थ्योरम है, इसको प्रूव करना है। अभी इसको कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम प्रूव करने से पहले कुछ बेसिक आइडिया पहले क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक अगर समझ में आ गया तो ये थ्योरम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, मान लीजिए f ऑफ x है, g ऑफ x का डेरिवेटिव f ऑफ x है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव f ऑफ x है, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इज g ऑफ x। सो g ऑफ x इज द इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x। ये डेफिनेशन है, फर्स्ट लेक्चर में भी अपन ने देखा है। इसका डेरिवेटिव अगर f ऑफ x है तो f ऑफ x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा, g ऑफ x। दूसरा पॉइंट नोट करते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ sin x, sin x आपको समझने के लिए ले रहा हूं फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x मींस डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x cos x। पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं ये sin x कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, मैंने sin x लिया समझने के लिए। sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x cos x पता है आपको। अगर डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना है, x का फंक्शन और t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t अगर निकालना है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt, चेन रूल है ये। तो sin x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x cos x होगा into dx बाय dt, इसको बोलते हैं चेन रूल, जो कि अपन डेरिवेटिव में यूज कर रहे थे चेन रूल को। इसी तरह मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो g डैश x बनेगा, g ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x g डैश x, जैसे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x f डैश x, उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x g डैश x। अब आपको डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t चाहिए, g ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt, इसको बोलते हैं चेन रूल, जो कि अभी थ्योरम में अभी अपन यूज करेंगे। ये थोड़े से पॉइंट बेसिक जो है इसको क्लियर होने के बाद अभी थ्योरम के तरफ आ रहे हैं। देखो किस तरह, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, पहले स्टार्टिंग यहां से ध्यान रखना है। देखो, लेट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू g ऑफ x, नंबर वन। यहां से ध्यान रखो, यहीं से स्टार्ट करना है। इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x with respect to x is g of x, this implies derivative of g of x with respect to x क्या बनेगा, f of x, number 2।
समझ में आ गया, इसका डेरिवेटिव f ऑफ x है, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x g ऑफ x, ये तो पढ़ रहे अभी तक, g ऑफ x का डेरिवेटिव f ऑफ x है, तो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इज g ऑफ x। नाउ कंसीडर, अब आपको चेन रूल अप्लाई करना है, कंसीडर डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ये चेन रूल है, ठीक है, इसको कंसीडर करना है। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x व्हिच इज f ऑफ x, व्हिच इज f ऑफ x इनटू dx बाय dt, कहां से लिया, फ्रॉम 2, ठीक है, इसका ये डेरिवेटिव है। नाउ आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो देखो, x इज इक्वल टू फाई ऑफ t, ये सब्स्टिट्यूशन है, x इज इक्वल टू फाई ऑफ t, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, जो भी सब्स्टिट्यूशन है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा dx बाय dt, और फाई ऑफ t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t फाई डैश t, जिस तरह डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x f डैश x, उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ phi of t विथ रिस्पेक्ट टू t phi dash t, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब ये दोनों वैल्यू, x की वैल्यू और ये dx by dt यहां रख दो, यहां x रखना है, x की वैल्यू रखना है, और dx by dt के जगह ये phi dash t रखना है, तो अब देखो क्या बनेगा। therefore इधर लिख रहा हूं अभी, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x विथ, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, ये दोनों वैल्यू यहां रखना है, ठीक है, f ऑफ x के जगह phi ऑफ t, f ऑफ phi ऑफ t इनटू dx by dt के जगह phi dash t, phi dash t, इसका डेरिवेटिव ये है, बराबर है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रल, इनडेफिनाइट इंटीग्रल का डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर इसका डेरिवेटिव यह है, देन दिस g ऑफ x इज द इंटीग्रल ऑफ दिस, इसका ये फंक्शन का डेरिवेटिव यह है, तो ये फंक्शन का इंटीग्रल ये रहेगा, सो g ऑफ x इज द इंटीग्रल ऑफ f ऑफ phi ऑफ t इनटू phi dash t इनटू dt, यहां तक हो गया, बट g ऑफ x क्या है, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, सो फ्रॉम वन इन g ऑफ x होता है इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इनटू dx व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ phi ऑफ t इनटू phi dash t इनटू dt, ये इस तरह आपका ये थ्योरम प्रूव हो गया। एक बार और बताता हूं, लगे तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा फास्ट में और एक बार बता देता हूं, इस तरह वही के वही घुमा रहे इसको, थ्योरम कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर से बताता हूं एक बार और देखो, आपको समझ में आ जाएगा। लेट, कहां से शुरुआत करना है, लेट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x g ऑफ x, शुरुआत देखो कहां से कर रहे, लेट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x with respect to x g of x, number one, so derivative of g of x with respect to x इसका derivative होगा f of x, number two, अब भी consider करना है आपको, consider derivative of g of x with respect to t, chain rule लगाना है, अभी derivative of g of x with respect to t, first differentiate with respect to x, then multiply by dx by dt, यहां तक हो गया। अब डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x है f ऑफ x इनटू dx by dt, कहां से लिया, फ्रॉम 2, ठीक है। नाउ आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, देखो x इज इक्वल टू phi ऑफ t, जो भी सब्स्टिट्यूशन है उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा आपका dx by dt, और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ phi ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t phi dash t,
जिस तरह डेरिवेटिव ऑफ f of x विथ रेस्पेक्ट टू x f डैश है, उसी तरह phi of t का डेरिवेटिव phi dash t होगा। अब ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ रखना है, x के जगह रखना है phi of t और dx by dt के जगह रखना है phi dash t। तो देखो अभी क्या बनेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ g of x विथ रेस्पेक्ट टू t विच इज इक्वल टू f of x के जगह phi of t, f of phi of t, f of x है ना, f of x, x के जगह phi of t रख रहे हैं और dx by dt के जगह phi dash t, phi dash t। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रल, बाय डेफिनेशन ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रल, ये फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रल जो है ये रहेगा, मतलब जी ऑफ एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश टी इंटू डी टी। बस आखिरी स्टेप जी ऑफ एक्स जो है वो है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो फ्रॉम वन जी ऑफ एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश टी इंटू डी टी। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना एक दो का, कुछ पॉइंट्स अभी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो कुछ पॉइंट्स आपको पहले समझना जरूरी है, पर कंसेप्ट क्लियर कर लेते पहले। इस तरह ये थ्योरम हो गया आपका। अभी देखो अगर आपका सब्स्टिट्यूशन, इफ सब्स्टिट्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ टी है, एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ टी है ना, तो ये जो डी एक्स रिप्लेस हो गया फाइव डैश टी इंटू डी टी, किस तरह जो भी सब्स्टिट्यूशन है उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। पॉइंट नोट करो अच्छे से, डी एक्स बाय डी टी दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फाइव डैश टी, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू फाइव डैश टी इंटू डी टी। मतलब ये अगर सब्स्टिट्यूशन है आपका, जो भी प्रॉब्लम है जो भी सब्स्टिट्यूशन रहेगा, तो सब्स्टिट्यूशन को आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालना है, और एक्स की टर्म जो है उसके साथ डी एक्स लिखना है और टी के टर्म के साथ डी टी लिखना है। ये डायरेक्ट एक्चुअली प्रोसीजर इस तरह है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन, इसके साथ डी एक्स फाइव डैश टी का डेरिवेटिव, फाइव ऑफ टी का डेरिवेटिव फाइव डैश टी, उसके साथ डी टी। ये पॉइंट नोट करना है इसको अच्छे से, देखो नहीं समझेगा तो और एक दो एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही आपको यूज करना है अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। डिफरेंशिएट बोथ दिस साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, एंड राइट डी एक्स with x and dt with t, t के साथ dt लिखना है और x के साथ dx लिखना है। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अगर आपका सब्स्टिट्यूशन आप जो पुट कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, एक्स क्यूब के जगह टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, तो देखो किस तरह रिप्लेस होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, इसका डेरिवेटिव बोलो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, इसके साथ डी एक्स लिख लेना, इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस टी, इसके साथ डी टी लिखना है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल लेते, मान लीजिए अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी पुट करना है आपको, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, इसके साथ डी एक्स लिखना है, और इसका डेरिवेटिव वन, इसके साथ डी टी लिखना है, इस तरह। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यूब लेंगे, जो भी है, फिर इसका एक्चुअली प्रोसीजर इस तरह है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, इन दिस को मल्टीप्लाई जाएगा, मतलब क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव इंटू डी एक्स, इसका डेरिवेटिव इंटू डी टी, बस वही कर रहे,
इस तरह में आपका सब्स्टिट्यूशन है, मतलब x स्क्वायर के जगह आपको t क्यूब पुट करना है, तो डेरिवेटिव किस तरह बनेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू dx और t क्यूब का डेरिवेटिव जिस तरह x क्यूब का डेरिवेटिव निकालते हैं उसी तरह इसका भी निकालना है, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर इनटू dt, इस तरह ये रिप्लेस करना है। ध्यान रखो क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका यूज करना है, ठीक है। अब एक सॉल्व एग्जांपल देखते समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना पहले। अब एक एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, उसको सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद कोरोलरी लेते हैं, आपको समझ पॉइंट क्लियर हो जाएगी आपके सभी, ठीक है। तो अब जो इवैल्यूएट करना है फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें गिवन है इंटीग्रल ऑफ इवैल्यूएट किस तरह, इंटीग्रल ऑफ 3x² इंटू साइन ऑफ x³ इंटू डी है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल थोड़ी लगाएंगे, है ना, प्रोडक्ट है ये, तो इसको कैसे इवैल्यूएट करना है। अभी ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ आप थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये x³ का डेरिवेटिव ये है, है ना, x³ का डेरिवेटिव, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेता लगे तो साइन ऑफ x³ इंटू 3x² इंटू डी, थोड़ा रीअरेंज कर लिया इसके साथ ये। अब थोड़ा यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, x³ का डेरिवेटिव ये है, बराबर है, सो आपका सब्स्टिट्यूशन रहेगा पुट x³ इज इक्वल टू टी, x³ इक्वल टू टी पुट करना है, तो इसका डेरिवेटिव बोलो 3x² इंटू डी एक्स, x के साथ dx लिखना है, इसका डेरिवेटिव 1, इसके साथ dt लिखना है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव रिप्लेस हो गया। नाउ दिस बिकम sin t, ये sin t हो गया और 3x² इनटू dx रिप्लेस बाय dt, बस अपना जो कॉमन फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cos x प्लस c, उसी तरह इसको भी इंटीग्रेट करना है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया, ये t वेरिएबल है, यहां पे x है, इंटीग्रल ऑफ sin t विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस cos t प्लस c, जो सब्स्टिट्यूशन है रिप्लेस कर दो, t के जगह x³ है, दैट इज cos ऑफ x³ प्लस c, इस तरह ये। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, और समझना है तो दूसरा एग्जांपल लेते हो, I is equal to, ये सब प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक में गिवन है, मैं अपने मन से नहीं दे रहा, इनटू cos x इनटू dx, अनदर एग्जांपल। अब यहां क्लियरली आपके समझ में आ रहा है sin x का डेरिवेटिव cos x है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो आपको पुट करना है, पुट sin x इज इक्वल टू t, sin x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, sin x का डेरिवेटिव cos x, x के साथ dx लिखना है, इसका डेरिवेटिव 1 इनटू dt लिखना है। नाउ दिस बिकम इंटीग्रल ऑफ t, लिखा इसको t क्यूब हो गया ये, इनटू दिस रिप्लेस बाय dt, नाउ इंटीग्रल ऑफ t क्यूब, जैसे इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n, ये रिजल्ट लगेगा, t क्यूब का इंटीग्रल होगा t टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, t टू द पावर 4 मतलब sin टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी, इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब कोरोलरी लेते हैं, तीन चार कोरोलरी है, चार कोरोलरी, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। कोरोलरी में मतलब एक प्रकार का शॉर्टकट ही है, वो एक का प्रकार का शॉर्टकट है, कोरोलरी यूज करके अपन फट से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोरोलरी नंबर 1, कोरोलरी नंबर 1, इफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज जी ऑफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन इसका डेरिवेटिव ए प्लस सी। एक्चुअली ये कोरोलरी अपन पहले से यूज कर रहे हैं, पहले से यूज कर रहे हैं, इसके पहले जो लास्ट लेक्चर था इसमें डायरेक्टली यूज कर दिया,
डायरेक्ट मेथड है एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि f ऑफ x का इंटीग्रल है g ऑफ x, उसी तरह f ऑफ x तो f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रल g ऑफ ax प्लस b, लेकिन ये ax नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है। इसको समझने के लिए इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में प्रूफ गिवन है, प्रूफ ने अभी आप देख लेना उसका प्रूफ। और इसके ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं, शॉर्ट एग्जांपल है कुछ इस तरह है, देखो किस तरह यूज कर रहा है इंटीग्रल ऑफ, एक्चुअली ये तो पहले से अपन ने सॉल्व किया है, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर ऑफ 5x माइनस 4 इंटू dx, एक्चुअली ये पहले से अपन सॉल्व करते आ रहे हैं, इसके पहले से लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया। जैसे कि इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू x tan x होता है, बराबर है। अगर ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखते हैं, बस वही कर रहे हैं। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x, ये वाला है, ये कोरोलरी लग रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x tan x दैट इज tan 5x माइनस 4, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव आपको अपॉन में लिखना है, इसका डेरिवेटिव बनेगा 5 प्लस सी। लेट अस सी अनदर एग्जांपल देखते हैं, 6x प्लस 5 टू द पावर 3/2 इंटू dx, बस उसी तरह x टू द पावर n का इंटीग्रल निकालते हैं उसी तरह, हाँ यस 6x प्लस 5 टू द पावर 3/2 प्लस 1 5/2 3/2 प्लस 1 5/2 सेम पावर रिपीट करना है 5/2, फिर से इसका डेरिवेटिव, ये जो कोरोलरी बता रहे हैं इसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखना है, इसका डेरिवेटिव 6 प्लस सी, थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 3 3 5 15, इस तरह ये कोरोलरी का यूज होता है। अब देखते हैं सेकंड कोरोलरी, एक प्रकार का शॉर्टकट है, ठीक है। अब सेकंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड कोरोलरी देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन मतलब यहां जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहां बाजू में लिखा है, एफ डैश एक्स है उसके, इसका जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है इंटू डी एक्स, तो आपका आंसर बनेगा डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। इसको ऑब्जर्व करो, जो भी फंक्शन है वही फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में, फंक्शन टू दी पावर एन 2 3 4 5 जो भी पावर है और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाजू में लिखा, तो इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा एफ ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अभी जो 2 मिनट पहले एग्जाम्पल लिया ना इसी को लेते, देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप इसका डेरिवेटिव बाजू में, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, मतलब यहाँ अगर आप इसको एफ ऑफ एक्स बोले, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव बनता है कॉस एक्स, तो आपको ये रिजल्ट लगाना है अभी एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन या पावर 4 है इंटू एफ डैश एक्स है, तो आंसर बनेगा एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, तो आपका आंसर बनेगा एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 मतलब साइन टू द पावर एन प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 5 टू द पावर एक्स 5 टू द पावर साइन टू द पावर 5 एक्स अपॉन 5 प्लस सी, इस तरह। अगर ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है तो अपनी मेथड जो है कॉमन मेथड सब्स्टिट्यूशन वाली, इधर लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड क्या है, देखो एक ही है वो, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, अगर आपने साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर दिया, साइन एक्स इक्वल टू टी, ये डायरेक्ट बता सकते हैं इसका, ये डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो दूसरी मेथड इस तरह भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों एक ही है, ठीक है, ये इसका यूज करना है डायरेक्टली, ठीक है। साइन एक्स को अगर टी पुट कर दिया तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 इंटू डी टी। अब ये बन रहा है आपका साइन एक्स को जगह टी लिखा तो टी टू दी पावर 4 बन गया इंटू ये हो गया डी टी,
टी टू दी पावर फोर का इंटीग्रल होगा टी टू दी पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस सी। फाइनली टी को रिप्लेस कर दो, टी मीन्स साइन टू दी पावर फाइव टी अपॉन फाइव प्लस सी। देखो दोनों का आंसर सेम आएगा इस तरह, ये होगा सेकंड कोरोलरी। अब थर्ड कोरोलरी जो है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार उसका यूज यूज करते हैं अपन प्रॉब्लम में, आपको पता चलेगा फिर आगे चल के। थर्ड नंबर की कोरोलरी देखते हैं, ये बहुत काम की है, डायरेक्ट आंसर आता है इसका, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ f x जो भी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है f डैश x इंटू dx, देखो फंक्शन उसका डेरिवेटिव है यहां पे, तो इसका आंसर होता है log ऑफ f ऑफ x, log ऑफ f ऑफ x प्लस डायरेक्टली। बहुत सिंपल टेक्निक है ये, देखो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आंसर बनेगा log ऑफ f ऑफ x बस। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, अब यहां आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो डायरेक्टली आंसर आ रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, मतलब ये f ऑफ x है और ये f डैश x है, तो आंसर बनेगा log f ऑफ x मतलब log ऑफ साइन एक्स, मतलब cos अपॉन साइन cot होता है, cot का इंटीग्रल होता है log ऑफ साइन एक्स, ठीक है। नाउ हियर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव या फिर f ऑफ x f डैश लिखो, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसको से f ऑफ x लिखा तो f डैश x बन गया आपका cos x, f डैश बन गया cos x, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो ये बनेगा आपका f ऑफ x और f डैश x इनटू dx, तो इसका आंसर होता है log ऑफ f ऑफ x दैट इज log ऑफ साइन x प्लस सी, एफ ऑफ एक्स मीन्स साइन एक्स, इस तरह इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट होता है, कॉट का इंटीग्रल है लॉग ऑफ साइन एक्स, ये फार्मूला भी है इसको ध्यान रखना है आपको आगे। अनदर एग्जांपल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू और यहां लिख रहा हूं ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहां आप ऑब्जर्व कर रहे इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, यहां पे इसका डेरिवेटिव है ना, देखो f ऑफ x कर लिया आपने 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव बन रहा f डैश x बन रहा आपका 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 3, एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो ये कोरोलरी यूज कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x f डैश x इनटू dx which is equal to log of f of x, ये f of x है, तो आंसर बनेगा log of f of x that is 4x cube plus 3x plus 2 into dx, इस तरह इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ये। अगर नहीं ऐसा करना है तो आपको ये t पुट करना है, इसके जगह t पुट करना है, फिर ये पूरा डेरिवेटिव रिप्लेस होगा, सेम आंसर मिलेगा, करके बताता हूं लगे तो देखो यही कर देता हूं। एक्चुअली डायरेक्ट कोरोलरी यूज करना है तो लॉन्ग मेथड जो है इसको देखो इस तरह भी कर सकते हैं, इफ वी पुट 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो 12x स्क्वायर प्लस 3 इसका 0, x के टर्म के साथ dx लिखना है, इसका डेरिवेटिव 1 इनटू dt, नाउ दिस बिकम इंटीग्रल ऑफ ये t हो गया और दिस टर्म रिप्लेस बाय dt, सो 1 अपॉन t इनटू dt, 1 अपॉन t इनटू dt रिप्लेस हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t, जिस तरह 1 अपॉन x का इंटीग्रल होता है log x, उसी तरह 1 अपॉन t का इंटीग्रल log ऑफ t प्लस c, t मींस log ऑफ t मींस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 प्लस c, सेम आंसर आ गया दोनों का, ये डायरेक्ट सिर्फ ऑब्जर्व करके आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ये tan x है, यहाँ पे sec square x है इनटू dx,
देखो tan x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव x स्क्वायर x है, तो आंसर हो गया log of tan x plus c। और एग्जांपल देखते हैं, ये सब टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम है, 1 by x log x इस तरह है, ये log x का डेरिवेटिव 1 by x है, log x का डेरिवेटिव 1 by x है, ये f of x है और ये f dash x है, तो आंसर बनता है log of f of x मतलब log of log x प्लस सी। नहीं तो फिर आपको टी पुट करना है, फिर डेरिवेटिव रिप्लेस होगा, सेम आंसर मिलेगा। इस तरह ये कोरोलरी का यूज होता है। अब एक लास्ट इसको भी कर लेते कंप्लीट, इसका भी यूज कर सकते डायरेक्टली। अगर नहीं करना है कोरोलरी का यूज तो अपनी कॉमन मेथड जो है टी पुट करना है, डेरिवेटिव रिप्लेस होगा, फिर इंटीग्रेट करना, वैसा भी कर सकते है ना। अभी एक लास्ट वाली कोरोलरी लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिस सेट लेंगे, सॉरी प्रैक्टिस सेट नहीं है अभी, आपको एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करेंगे बाद में। इंटीग्रल ऑफ कोरोलरी देखो क्या है, कोरोलरी एक तरीके का शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट यूज करना है बस। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, देखो ऑब्जर्व करो, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स रूट के अंदर जो भी फंक्शन है, रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है यहाँ पे f dash x into dx, तो आपका आंसर रहेगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f of x, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f of x। मोस्ट कॉमन एग्जांपल देते हैं, ये कई बार आता है जब भी प्रॉब्लम में यूज करते ना अपन, नहीं तो पुट करना पड़ता, ये डायरेक्टली कोरोलरी यूज करके इसका आंसर बता सकते हैं, तो इसको ऑब्जर्व करो। देखो अब क्या आंसर बनेगा, ऑब्जर्व करो, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव जो है ये f of x जो है ना, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, इसका जीरो मतलब एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। देखो हियर f of x अगर आपने x square minus 1 लिया तो f dash x क्या बनेगा, 2x बनेगा है ना, तो ये क्या बनेगा अभी इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ f of x और 2x means f dash x into dx, इस तरह अगर है तो क्या लिखते हैं अपन, 2 टाइम्स अंडर रूट f of x plus c, दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f of x, दैट इज x square minus 1 plus c। जो टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम गिवन है उसी को लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। हाँ ये सब टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ log x, थोड़ा सा इसको अरेंज करना है। देखो ये कई बार आएगा इसके आगे, हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसमें कोरोलरी किस तरह लग रही, देखो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिखता हूँ, 1 बाय x अपॉन अंडर रूट ऑफ log x, वही हो गया ना, ये सेम हो गया, x नीचे आ गया तो यही बन गया, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव है यूजिंग इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो भी एफ ऑफ एक्स है इसी का डेरिवेटिव है यहाँ पे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव है ये, एफ डैश एक्स, तो आपका आंसर बनेगा 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स है ना, तो अभी आंसर क्या रहेगा आपका, 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस सी, इस तरह ये सॉल्व हो गया। अनदर एग्जाम्पल ये तो लिया है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ टेन एक्स sec square x into dx, नहीं तो फिर लंबी प्रोसीजर, t पुट करना है, फिर डेरिवेटिव रिप्लेस होगा, फिर 1 अपॉन अंडर रूट t, 1 अपॉन अंडर रूट t, फिर पावर लिखना है 1 by 2, फिर इसको ऊपर लिखना है minus 1 by 2, then x to the power n का रिजल्ट लगाना है। ये तो डायरेक्ट कोरोलरी है, सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको, tan x का डेरिवेटिव sec square x है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए पूरे के पूरे, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग देखो अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको अगर एफ ऑफ एक्स कंसीडर किया तो इसी का डेरिवेटिव है, टैन एक्स का डेरिवेटिव है ये, एफ डैश एक्स इनटू डीएक्स, तो आंसर बनता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरह, तो आपका आंसर रहेगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज टैन एक्स प्लस सी। अगर ये ऐसा नहीं करना है आपको, हाँ अगर ऐसा नहीं करना है तो प्रॉब्लम देखो किस तरह बनेगा, अभी ये लंबा है ना मेथड, देखो कितना थोड़ा सा सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे,
इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है ना, बस टू टाइम्स अंडर रूट टेन एक्स हो गया आंसर। नहीं तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, अभी देखो यू वी पुट, अभी लंबी प्रोसीजर देखो इस तरह कर, कैसे करना है, यू वी पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, टेन एक्स इक्वल टू टी, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका डेरिवेटिव वन इंटू डी टी, नाउ दिस बिकम, नाउ दिस बिकम इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टी, ये टी लिखा टी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टी एंड सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स रिप्लेस बाय डी टी। अब इसको किस तरह करोगे, टी टू दी पावर वन बाय टू है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, माइनस वन बाय टू इंटू डी टी, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा टी टू दी पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन दैट इज वन बाय टू अपॉन वन बाय टू प्लस सी, सेम पावर रिपीट करना है, इसका रेसिप्रोकल ये टू हो गया टू, और ये टी टू दी पावर वन बाय टू है मतलब अंडर रूट टी हो गया प्लस सी दैट इज टू टाइम्स अंडर रूट टी मीन्स टेन एक्स प्लस सी, आंसर तो दोनों इसमें सेम आ रहा है ना, लेकिन ये कितना इजी है, बस सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ दिखना चाहिए, नहीं दिखता तो भी कभी कभी एडजस्ट भी करना पड़ता है, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है आंसर इज टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरह ठीक है। अब यहाँ स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे का पोर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।